मेरे चैनल में सभी व्यूअर का स्वागत है फिर से। तो अब आप लोग देखेंगे कुछ कंसेप्ट का रिव्यू, ताकि आपको आगे सवाल बनाने में परेशानी नहीं हो, ठीक है? तो चलिए हम लोग कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। जैसे मान लिया जाए, आपका एक बात हम बोलते हैं यहाँ पर, क्या मान लीजिए कि चार आदमी मेन किसी काम को 4 दिन में किया, तो बताइए तो एक आदमी को कितना दिन लगेगा? ये कंसेप्ट समझिए। जब 4 आदमी को 4 दिन लग रहा है जी, तो एक आदमी को तो और ज़्यादा दिन लगेगा, लगेगा कि नहीं बोलिए? तो यानी एक आदमी को लगने वाला कितना, 4 गुना 4 यानी 16 दिन लगने वाला है। ऐसे भी आप देखिए, एक दिन में एक आदमी 4 आदमी का, एक दिन में एक दिन दो, एक दिन और एक दिन और एक दिन और ले लीजिए, हम छोटा ऐसे ही ला के समझा सकें। एक दिन में यानी कि 4 आदमी काम करेगा, 4 आदमी काम करेगा, दूसरा दिन भी 4 आदमी काम करेगा, तीसरा दिन भी 4 आदमी का, पांचवा चौथा दिन भी 4 आदमी का, 4 4 8 4 12 4 16, बताइए 16 16 हुआ कि नहीं? यानी कि एक आदमी अगर करेगा उसको, तो कितना दिन लग जाएगा उसको, तो 16 दिन लग जाएगा। कोई समस्या किसी को? नहीं ना? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो इनको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो इसको देखिए। यानी कहेगा कि 20 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना, टोटल काम कितना है जी, कितना आदमी का काम है? 20 5 100 आदमी का काम है, याद रखिएगा। कितना आदमी का काम है? 100 आदमी का, है ना? तो यानी अब देखिए, एम ये मेन था और डे था, तो एम डी इसको कहते हैं, एम डी एंड एम डी कंसेप्ट भी बोल सकते हैं, है ना? और कहेगा कि कोई 4 घंटा काम करता है, तो ये तो एच भी हो जाएगा इसमें, यानी एम डी एच, है ना? तो अगर ऐसा ऐसा 2 टर्म रहता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तब M1 D1 H1, तो इधर कर देंगे क्या, M2 D2 H2, इसी टाइप से बैठा देंगे। ये कोई सूत्र नहीं है जी, आप बनाइए इसको, देखिए ऐसे निकल जाएगा। यानी हम कहेंगे कि एम डी एच मसाला खाइए और सवाल को बनाइए, है ना? तो याद रखिएगा एम डी एच मसाला। इसी में कहेगा कि इतना आदमी मिलके कुछ काम किया, वो कितना काम करेगा? तो काम जो आता है यहाँ नीचे में आता है, तो W यहाँ 1 दे दीजिए, यहाँ यहाँ दीजिए W 2 दे दीजिए। आया समझ में? तो आप इनको यही कंसेप्ट को समझना है कि आखिर कैसे कैसे कंसेप्ट को रिव्यू करेंगे, है ना? जैसे कि 40 आदमी किसी काम को, 40 आदमी किसी काम को 20 दिन में करता है, कहेगा 20 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो मान लीजिए 1 दिन में करेगा। देखिए M1 D1 बराबर M2 D2, 20 से कटा दीजिए, 20 20 खत्म, 40 दिन में। 15 आदमी कितना दिन में करेगा, ये भी कर सकते हैं, जो भी करना हो, है ना? आया समझ में? कहता 40 आदमी 20 दिन, 40 आदमी 20 दिन में काम करता है, तो 2 काम करता है, 2 यूनिट काम करता है, तो बताइए कि 10 आदमी कितना दिन में 4 यूनिट काम कर लेगा। आप ऐसे भी कर सकते, देखिए काम जो है कि 4 2 काम करता है, तो 4 काम को 10 आदमी को करने में कितना दिन लगेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए अब देखिए, 10 यहाँ था ना, यहाँ 10 था, यहाँ 20, तो 10 2 गुना 20, 2 2 खत्म हो गया, और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, 160 दिन लग जाएगा इसको करने में। आया समझ में? तो बैठाना मेन है आपका, कैसे कैसे बैठाते हैं काम को, है ना? यानी क्या बोला मैंने कि अगर 40 आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, तो एक आदमी कितना दिन लगेगा जी, 40 5 200 दिन लगेगा, लगेगा कि नहीं? 40 5 कितना दिन लगेगा मेरा, उसको 200 दिन लगेगा, एक आदमी को लगेगा। अगर कहेगा इसी काम को, बताइए कि 10 आदमी कितना दिन में कर लेगा, तो 10 से यहाँ भाग दे देंगे, कितना दिन कर लेगा, 20 दिन में कर लेगा। ऐसे भी आप देख लीजिए, 5 आदमी था तो देखिए 40 दिन, इसका डबल आदमी होगा तो इसका आधा दिन लगेगा, तो देखिए 20 दिन लगा, इसका आधा 20 ना होता है। आया समझ में? किसी को समस्या है? अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम सवाल पर चलते हैं, ठीक है? इसी कंसेप्ट पर सवाल मेरा है। चलिए अब देखिए सवाल क्या है, तो देखें यहाँ, देखिए ये सब सवाल पिछले टाइम में मैंने किया था, तो अभी ये सवाल करेंगे। तो ये सवाल है मेरा, कहता है क्या कि ई और एफ एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। ई और एफ कितना दिन में पूरा करते हैं? ई और एफ ये 10 दिन में, दोनों मिलके कितना दिन में किया, तो 10 दिन में पूरा करते हैं। क्लियर? यदि ई अकेले उस कार्य को कितना दिन में, 30 दिन में पूरा कर देगा,
तो एफ उस कार्य को अकेले कितना दिन में कर सकता है? सो सिंपल। देखिए इसमें आपको कोई जो एक मक्खन मलाने लगाना है, देखिए क्या करना है, 30 और 10 का एलसीएम लीजिए, 30 होगा, 10 3 गुना 30, 30 2 30 31। अब इसको आप भूल जाइए, अब हमको ये सोचना है टोटल ब्रेड है 30 ब्रेड है, कितनी ब्रेड है यहाँ पर, 30 ब्रेड है। अब बताइए कि ये दोनों मिलके खाता है कितना ब्रेड, 3 ब्रेड, लेकिन इसमें ई जो खाता है 1 ब्रेड खाता है, एक रोटिया भैया है ई, अगर 1 ब्रेड खाया भैया, समझ रहे हैं, ये ई अगर 1 ब्रेड खाया तो दोनों मिलके खाया है 3 ब्रेड, तो बताइए तो पी कितना खाया होगा, पी तब तो 2 खाया होगा, तब ना 2 1 3 खाया होगा, तो अब हमको पी का मिल गया कि नहीं, पी 2 रोटी खाता है, क्लियर है, क्योंकि ई 1 रोटी खाता है और दोनों मिलके ये लोग 3 रोटी खाता है, तो ई अगर 1 रोटी खाया तो पी कितना खाया होगा, 2 खाया होगा, है ना। तो अब देखिए टोटल ब्रेड कितनी है, तो 30 है, अगर पी खाएगा तो कितना दिन में खा लेगा टोटल ब्रेड को, पी को, पी तो भाई 2 रोटी खाता है, 2 से भाग दे दीजिए कितना होगा, तो 15 दिन में ये पूरा पूरा ब्रेड को समाप्त कर देगा। किसी को कोई तकलीफ, यानी आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो गया मेरा, ए आंसर, क्लियर है, किसी को तकलीफ है तो बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम बहुत स्लो चल रहा हूँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, हर बारी हमने करेंगे थोड़ा टाइम जाएगा जाएगा, आप लोग भी अपना पेशेंस बना के देखें, ताकि देखेंगे आपको फायदा होगा, इसमें मेरी कोई जो है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए और बी एक साथ एक कार्य को 4 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। देखिए ए और बी एक साथ एक कार्य को करेगा तो कितना दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी एक साथ कार्य करेगा तो कितना दिन में करेगा, तो 4 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए अकेले उस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, अब देखिए ए उस कार्य को अकेले कितना दिन में, 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, वही बात है, समझे समझे, सवाल समझ गए ना। अब हम चलते हैं यहाँ पर, पहले लिखना आना चाहिए आपको कैसे कैसे, साथ में लिखेगा तो प्लस करके लिखेंगे, अकेला रहेगा इसको अलग लिख देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 12 और 4 का एलसीएम मेरा 12 होगा, ठीक है। अब देखिए तो 4 3 गुना 12, अब 12 गुना 1 12, इसको आप भूल जाइए, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब हम आपको एक लॉजिकली पर लेके जाते हैं, ए और बी दोनों मिलकर खाया 3 ब्रेड, कितना खाया, 3 ब्रेड खाया, ए अकेले खाया कितना, 1 ब्रेड, ए जबकि पता है कि 1 रोटी खाता है तो दोनों मिलके खाया 3 रोटी, तो बी कितना खाया होगा, तो 2 रोटी खाया होगा, तब ना दोनों मिला के 3 रोटी खाया होगा, है ना। तो टोटल ब्रेड है कितनी, 12 ब्रेड है, तो यानी 12 ब्रेड है। अब कहता है ए का तो पता है, कहता है बी अकेले खाएगा तो कितना दिन में खाएगा, तो बी खाता कितना है, 2 रोटी खाता है, हम 2 से इसमें भाग दे देंगे, 2 × 12 यानी 6 डेज में ये क्या करेगा, पूरा पूरा ब्रेड बी खा के खत्म कर देगा। तो आंसर मेरा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, आया समझ में, ये 6 हो जाएगा, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला सवाल है, यदि 10 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, देखिए 10, अब वही बात है, 10 व्यक्ति अगर 30 दिन में करेगा जीत, एक आदमी को तो ज्यादा ना लगेगा, तो 30 से गुना कर देंगे, क्लियर है। तब इससे दोगुने कार्य को 15 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, अब देखिए इससे दोगुना कार्य, यानी कि ये एक कार्य था, अब 2 गुना कार्य जैसे होगा, तो कार्य जो है कि नीचे लिखा था 2 गुना, तो 2 यहाँ दे दीजिए, लिखना पहले आना चाहिए आपको, 15 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, तो मान लीजिए डी दिन में करेगा, ठीक है, आपको ऐसे लिखना है, यानी कैसे लिखना है, M1D1/W1 बराबर M2D2/W2, समझे कैसे लिखा मैंने। अब आपका कुछ नहीं है, बना लीजिए, अब कटा लीजिए, आंसर हो जाइएगा। अब यहाँ कटाइए, 2 से कटाइए, 15 2 गुना 30 हो जाएगा, है ना, 2 2 गुना 4, 4 2 गुना 4 10 है 40, यानी 40 दिन लगेगा और ये काम समाप्त हो जाएगी, कितना दिन में, 40 दिन में। आंसर ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर,
किसी कोई तकलीफ है क्या? नहीं ना भैया, का हो भैया, बा कट रहे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक जग में दो छेद है, पहला छेद अकेले जग को 15 मिनट में, दूसरा छेद अकेले जग को 20 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक निश्चित दर से निकलता है तो दोनों जग को खाली होने में समय लगेगा, यदि दोनों छेद एक साथ जग को खोल रहा हो। अब बताइए, ये कोई जग है जी, मान लो ये जग है, एक छेद होगा दूसरा छेद भी होगा, ये खाली करता है कितना देर में? दोनों खाली करने वाला हमेशा माइनस 15 20, ये किया कितना समय में? तो कहता है ये 15 मिनट में किया, ये कितना? तो 20 मिनट में किया। तो दोनों तो खाली ही ना कर रहा है जी, यहाँ खाली खाली माइनस कर दीजिए यहाँ पर। ये 15 मिनट में खाली कर रहा है, ये कर रहा है 20 मिनट में। किसी को तकलीफ है? लिख लिया आपने? अब देखिए यहाँ एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम मेरा हो जाएगा क्या? 60 हो जाएगा एलसीएम। कितना होगा एलसीएम? एलसीएम इज 60। अब देखिए 15 चौके कितना होता है जी? 60 होता है। 20 तिया कितना होता है जी? 3 60 होता है। इनको भूल जाइए आप, ठीक है? अब देखिए, मान लीजिए जग में टोटल 60 लीटर पानी आता है, कितना आता है? 60 लीटर पानी आता है। अब ये खाली करेगा तो 4 लीटर प्रति मिनट करेगा, ये करेगा तो 3 लीटर प्रति मिनट करेगा, करेगा ना? तो कहता है कि दोनों कितना देर में जो कि खाली कर देगा, तो दोनों मिलके करेगा, 4 3 कितना होगा? 7 लीटर पानी तो एक के मिनट में कर देगा जी, मिनट हो या घंटा हो जो भी कहे वहां। और यही 7 से भाग दे देंगे तो हमारा 7 8 कितना होगा? 56 8, यहाँ बचा कितना? 4, 8 4 बाय 7 मिनट या घंटा जो रहेगा उसमें हम आंसर दे देंगे। 8 इंटीजर 4 बाय 7, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी में आंसर है, 8 इंटीजर 4 बाय 7। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ है भाई? नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। जिनको तकलीफ है तो टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई टोल फ्री नंबर अवेलेबल नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, आगे लिखिए। दिन में 8 घंटे काम करने वाले 24 पुरुष 10 दिनों में एक काम को करते हैं। देखिए, 24 पुरुष 24 पुरुष 8 घंटा करके काम किया तो 10 दिन में समाप्त हुआ। देखिए, सबको गुना कर लीजिए, ठीक है? हम बताते हैं इसको। दिन में 10 घंटे काम करके, दिन में 10 घंटा काम करके 6 दिनों में पूरा काम करने के लिए, 6 दिनों में पूरा काम करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? मान लीजिए पी पुरुष का आवश्यकता होगा। आपने ऐसे लिख लिया, ये मैंने किस कंसेप्ट पर लिखा था आपको बताते हैं। मैंने बोला था ना कि M1D1H1 बराबर M2D2H2, इस पर बैठा लीजिए आप, M1D1H1 बराबर M2। अरे भैया, यही दोनों इसी काम को करवाएगा इससे, आप इसको कटा सकते हो, 6 चौके 24 हो जाएगा, होगा ये 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 8 कितना होगा? 32 हो जाएगा, 32 32 पुरुष लगेगा। कितना पुरुष लगेगा जी? 32 पुरुष लगेगा, जो कि आप आराम से आंसर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, हमें शांति से जा रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों को अगर नींद लगे तो एक खर्राटा मार के तब उठिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टंकी 9 घंटे में भरी जा सकती है, कितने घंटे में? 9 घंटे में भरी जा सकती है। 9 घंटा में क्या होता है? भरी जा सकती है। एक रिसाव के कारण इसे भरने में 10 घंटे का समय लगता है। रिसाव मतलब क्या, समझ रहे हैं? पानी भरी हो रहा होगा और निकल ही हो रहा होगा, तो यानी भरने वाला भी होगा, खाली करने वाला भी होगा, तब ना 9 घंटा लग रहा था, तभी 10 घंटा लग रहा है जी। 1 घंटा किसके कारण हुआ? तो ये जो छेद था इसमें जो, इसीलिए हुआ। रिसाव अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? अब देखिए, रिसाव दोनों का हम क्या करेंगे, अब इसको इसको बनाइए। ऐसा सवाल बहुत पूछा जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे कैसे क्या करें। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे, 9 और 10 का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 90, होगा ना जी? किसी कोई तकलीफ है तो बोलिएगा। 9 10 90, 10 99 हो गया, मैं इसको भूल गया।
अब देखिए टंकी में 90 लीटर पानी आता है जी, कितना है टंकी का 90 लीटर पानी। अब देखिए कि ये तो ये जो 9 लीटर 9 घंटा में भरता था 90 लीटर पानी, तो 10 घंटा लगता, 10 लीटर पानी भरता था प्रत्येक घंटा में। लेकिन अभी देखिए 90 लीटर भरा जा रहा है, तो इसका मतलब है 1 लीटर गया कहाँ, तो 1 लीटर कौन, यही माइनस वाला का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 1 होगा, समझे है ना। और इसका तब कितना होगा, यानी 9 लीटर पानी भरा जा रहा है, यानी देखिए यहाँ ये 9 10 90, 10 लीटर पानी भरा जा रहा था लेकिन 9 लीटर भरा जा रहा है दोनों में, तो इनका मतलब ये 10 लीटर भरता होगा तो 1 लीटर ही खाली कर देता होगा, 10 माइनस 1 तब हुआ होगा 9 लीटर, आया समझ में। यानी कि अब देखिए कि हमको पता चल गया है, क्या पता चल गया कि खाली करने वाला जो टंकी नल है वो 1 लीटर प्रति मिनट जो है कि पानी निकाल, प्रति घंटा निकाल रहा है पानी। तो अब बताइए 1 घंटा में अगर 1 लीटर ही पानी निकालता है तो 90 लीटर पानी कितना घंटा में लगेगा, 1 से भाग दे दीजिए तो 90 घंटा लग जाएगा इसको, कितना घंटा लग जाएगा, 90 घंटा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आया समझ में जी। किसी को तकलीफ है क्या, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्पीड करते हैं तो कितना बोलता है कि ज़्यादा स्पीड हो गया था, समझ में नहीं आया, तो मैं थोड़ा स्लो करने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। अब आपको फीडबैक हमको कैसा मिलता है पता नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं हमको, चलिए कमेंट करने से आपको फायदा होगा, इसलिए फायदा होगा कि हम क्या कैसा पढ़ाते हैं क्या करते हैं ये आपको पता चलना चाहिए, ताकि मैं अपना तरीका भी चेंज कर सकूं कुछ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सी अकेले किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, सी कितना दिन में कर सकता है जी, सी 20 दिन में कर सकता है, सी इन 20 डेज। डी अकेले उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, डी अकेले करेगा तो उसको कितना लगेगा, तो 30 दिन लगेगा, क्लियर। सी और डी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितना दिन में कर सकता है, सी और डी दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है। तो अब देखिए इसका ये तो बहुत ईजी हो गया, 30 20 का एलसीएम हो गया 60, 20 3 गुना 60, 30 2 गुना 60, इसको भूल जाइए। अब बताइए 60 ब्रेड है पर खाने के लिए, सी खाता है एक दिन में 3 ब्रेड, डी खाता है एक दिन में 2 ब्रेड खाता है, खाता है ना। अब दोनों मिलकर खाएगा भैया तो 5 ब्रेड तो खा लेगा एक दिन में, अब बताओ एक दिन में 5 ब्रेड दोनों मिलकर खाता है तो 60 ब्रेड कितना दिन में खाएगा, तो 5 से भाग दे दीजिए, 5 गुना 12 12 5 60, ऑप्शन नंबर 2 हो गया मेरा क्या करेक्ट आंसर। किसी को तकलीफ है क्या, है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक पेंटर 14 दिन में 34 कमरे पेंट कर सकता है, 14 दिन में 34 कमरे पेंट कर सकता है, 21 दिन में वो कितना कमरे पेंट कर सकता है। अब देखिए 14 दिन में 34 कमरा पेंट किया जी, तो 34 कमरा जो पेंट किया तो ये किया कितना, 14 दिन में किया, एक दिन में कितना किया था यहाँ पता चल जाएगा, है ना। तो 21 दिनों में वो कितना करेगा, तो 21 से भाग दे दीजिए, मैंने कैसे किया समझे इसको। अरे भैया 34 कमरा किया 14 दिन में, तो एक दिन में कितना किया, 34 बटे 14, तो 21 दिन में कितना करेगा, 21 एक दिन का निकल गया था, 21 दिन से गुना कर दीजिए, 7 2 गुना 14, 7 3 गुना 21, 2 से कटाइए, 17 2 गुना 34, तो 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 जो है कि कमरा को पेंट कर देगा, 51 कमरा पेंट कर देगा भैया, समझे। यानी कि आपका हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी कोई तकलीफ नहीं ना जी, हिल डुल नहीं हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये अकेला 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है, ये अकेला कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है, कितना दिन, तो 10 दिन, ए अकेला करेगा तो 10 दिन में कर सकता है, बी अकेला करेगा तो कितना दिन में करेगा, बी अकेला काम को 8 दिन में कर सकता है, तो ए भी मिलकर उसको 6 दिनों में कर सकता है, तो पूरा कार्य कहता 6 दिनों में पूरा कार्य पूरा कर सकता है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अरे भैया ये एक्स कितना दिन में पूरा करेगा यही निकाल रहा है,
बी अकेला है, कार्य को कितना दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर जबकि 10 दिन, ए अकेला किया 10 दिन में, दोनों मिलकर किया। ए एंड बी टुगेदर कैन डू द वर्क इन 6 डेज, दोनों मिलकर करता था तो 6 डेज में करता था। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 10 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30। अब देखिए 10 तिया 30 56 34 लग रहा है ना, सबसे बड़ा वाला को आप देखिए रिव्यू कर लीजिए, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 10 तिया 30 56 34 इसको मैंने क्यों किया आप बताते हैं। अब देखिए ए अकेला एक दिन में, दोनों मिलकर यहाँ ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में किया, ऐसे लिख लीजिएगा, मिस्टेक हो गया था लिखने में। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, ए देखिए तो एक दिन में कितना ब्रेड खाता है, 3 ब्रेड खाता है, तो ए को खिला दीजिए यहाँ 3 ब्रेड, तब ए को खिलाइएगा 3 ब्रेड खिलाए। अब दोनों मिल के खाया 5 ब्रेड, तो बताइए बी कितना खाया होगा, 2 खाया होगा कि नहीं। अरे बी का एफिशिएंसी निकालना था, मैंने निकाल लिया। अब देखिए बी अकेला अगर ये 30 ब्रेड है, टोटल है 30 ब्रेड, अकेले अगर बी खाएगा तो बी एक दिन में 2 ब्रेड खाता है, 2 से भाग दीजिए, 15 2 गुना 30 हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा आंसर आपका 15। कितना दिन, तो 15 दिन में जो किए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा आपका, 15 दिन में पूरा ब्रेड को वो खा के समाप्त कर देगा बी अकेला। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो चलिए आज की सफ़र यहीं तक थी, आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें, बहुत जल्द आएगी आपका इस टाइम एंड वर्क का सीरीज। चलिए थैंक यू।